parents, if you are new, please subscribe the channel. If you find the video useful, please like, share and comment. हेलो पेरेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास टू की बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपका बच्चा क्लास टू में है तो आप उसके लिए ये सारी बुक्स खरीद सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इंग्लिश, मैथ्स, जीके, ईवीएस, कंप्यूटर, ये सारी बुक्स आपको दिखाऊंगी कि आप किस किस राइटर की बुक ले सकते हैं, और उसको मैं ओपन करके उसके कॉन्टेंट भी आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक है एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। क्लास टू के लिए है ये बुक। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए, द सेंटेंस, क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, जंबल सेंटेंस, नेमिंग वर्ड्स, स्पेशल नेम्स, वन एंड मोर देन वन, एपोस्ट्रॉफी एस, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कंपैरिजन, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। आप देख सकते हैं बहुत सारे कंटेंट हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी बुक है ये। काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स हैं और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए। तो आप ये बुक अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। सुल्तान चंद की बुक ये है, और ये बुक आपको अमेज़ॉन पे ईज़िली मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ये बुक परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं, और मैं भी अपने चैनल पे कुछ वर्कशीट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो वर्कशीट भी मैं इन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप चाहें तो इस उन वर्कशीट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ इस बुक के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट बुक है न्यू स्किल कार्निवल, अ मल्टी स्किल कोर्स इन इंग्लिश। ये बुक आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए ले सकते हैं। इसकी रीडर भी आती है और इसकी वर्कबुक भी आती है, आप वो भी चाहें तो ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी बुक बहुत अच्छी है, और इसमें भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट स्टोरीज हैं अच्छी अच्छी। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको, मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सपोज़ ये चैप्टर है, फिर चैप्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, फिर देखिए इस तरह से इसमें वर्ड वॉल एंड देन ग्रामर गाला, तो ग्रामर से भी रिलेटेड इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सरसाइजेस दी हुई हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें देखिए आप सेम एक ही चैप्टर में आपको यहाँ पे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, और एक्सप्रेशंस की देखिए क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, सेंटेंसेस कैसे बच्चों को बनाने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होती है, एंडिंग कैसे होती है। तो देखिए एक ही चैप्टर में आपको इतना कुछ मिल गया। नेक्स्ट चैप्टर है माय होम। अब माय होम में डिफरेंट एनिमल्स के होम्स के बारे में हम आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पे, देखिए वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं। उसके बाद इसमें देखिए वर्ड वॉल करके इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप ये बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। यहाँ देखिए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में दिया है ग्रामर पोर्शन में। तो ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये बुक भी आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स के लिए मैं आपको ये दो बुक दिखाऊंगी। ये है फाउंडेशन मैथ्स, जो कि मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे ये बुक चलती है। तो ये बुक तो मैंने ऑनलाइन देखा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मुझे कहीं पे भी नहीं दिखी। तो आप अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप उस पर मार्केट में जाके देख सकते हैं। ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें भी काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स, काफ़ी कलरफुल एक्सरसाइजेज हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छी बुक है ये, आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल में दी हुई है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। इसके कंटेंट भी आप देख सकते हैं, लाइक वेलकम दिया हुआ है, तो वेलकम में मीन्स रिवीजन है, जो भी बच्चे क्लास वन से पढ़ के आए हैं। देन काउंटिंग है 101 से लेके पूरा 1000 तक की। फिर थ्री डिजिट नंबर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, हंड्रेड्स में एडिंग थ्री नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मनी, शेप्स ऑफ सॉलिड, लाइंस, टाइम्स एंड कैलेंडर, मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग मास, मेजरिंग लिक्विड, फ्रैक्शन पैटर्न एंड डाटा हैंडलिंग।
और क्लास टू का मैंने मैथ्स का सिलेबस भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके कंटेंट दे सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई फाउंडेशन मैथ्स, इसके लिए आपको मार्केट में ही ढूंढना पड़ेगा। और नेक्स्ट है न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स 2, ये बुक काफ़ी अच्छी है, RS अग्रवाल की बुक है। आपने सुना होगा RS अग्रवाल का नाम पहले भी, इनकी बुक्स काफ़ी अच्छी आती हैं। सबसे मेन चीज़ है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं सेम कंटेंट है वही उसी बुक के, बट ये देखिए इसमें कितने सारे आपको यहाँ इंडेक्स में ही देखने को मिल जा रहा है कि कितने सारे इसमें एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। फर्स्ट रिविजन 1 से 100 तक में दिया है, तो आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लेना है तो ये बुक मैं बोलूँगी कि आप लें, बहुत अच्छी बुक है और ये बुक आपको इजीली अमेजन पे मिल भी जाएगी। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ये बुक बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये, और ये पूरी सीरीज़ आती है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के लिए ये RS अग्रवाल की बुक अवेलेबल है, तो आप चाहें तो अमेजन से इसे परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये। EVS के लिए मैं ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंटल स्टडीज़ मरीना पब्लिकेशन की बुक है, ये बुक भी आपको ऑनलाइन तो नहीं मिल पाएगी, इसके लिए आपको मार्केट में ही पता करना होगा। आप मार्केट में देख सकते हैं, मे बी आपको मिल जाए। इसमें भी काफ़ी कंटेंट है, मेन कंटेंट जो क्लास 2 में पढ़ना है बच्चों को, मैंने इसका सिलेबस भी बनाया है, आप सिलेबस में ये सारे कॉन्टेंट्स देख सकते हैं। और ये भी बुक भी देखिए, आपको बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स दिख रही होंगी, यहाँ पे देखिए काफ़ी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। लाइक ये क्लोथ्स चैप्टर है, क्लोथ्स चैप्टर में देखिए कितनी सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, द स्टोरी ऑफ क्लोथ मेकिंग, कीपिंग हेल्दी, डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, फूड फॉर हेल्थ। ओके, तो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं क्लास 2 की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं बहुत सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन करके और उसकी एक्सरसाइजेस, उसकी वर्कशीट्स दी हुई हैं, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। EVS के लिए आप ये बुक भी ले सकते हैं, कार्डोवा पब्लिकेशन की ये बुक है, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। ये बुक अमेजन पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है क्रिएटिव किड्स की रिवाइज्ड कंप्यूटर्स मेड फ्रेंडली, ये कंप्यूटर के लिए आप बच्चों को ये बुक ले सकते हैं। इसका कॉन्टेंट आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, uses of the computers, manners in computer lab, more about the keyword, more about the mouse and touch screen, drawing using MS Paint, introduction to MS Word 2016। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, कलरफुल है, काफ़ी एक्सरसाइजेस भी इसमें आपको मिल जाएंगी, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है, देखिए इस तरह की एक्सरसाइजेस आपको इसमें देखने को मिलेगी। मैनर्स इन कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर पूरी पिक्चर्स के साथ दिखाया हुआ है कि हमें कंप्यूटर लैब में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, इस तरह से कीबोर्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारी कीज़ का क्या क्या यूज़ होता है, तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप देख सकते हैं इसमें हैं। तो ये बुक भी आपको अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण के लिए आप रचनात्मक व्याकरण ले सकते हैं, ये पियर्सन की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं इसमें, और ये बुक आपको अमेजन पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्याकरण के लिए आप हिंदी व्याकरण ऑक्सफोर्ड की भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने देखा हुआ है इसमें काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेस भी हैं, तो आप ये बुक भी ट्राई कर सकते हैं, अमेजन पे आपको ये बुक भी मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यू मस्ट नो अपडेट, ये बुक GK के लिए आप ले सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए, कार्डोवा पब्लिकेशन की ये बुक है, इसमें भी आप कंटेंट देख सकते हैं, मैंने इसका ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है,
कंटेंट इसके देख लीजिए, अवर फ्लैग, फॉरेस्ट, रोजेस, फूड ऑफ एनिमल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पॉट द डिफरेंसेस, करेक्ट पॉस्चर, इंडिपेंडेंस डे, इंडियन डांस फॉर्म, फेशियल एक्सप्रेशन, यूनिक फ्रूट्स, बर्ड, वर्ल्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, अमेजिंग एनिमल्स, क्लीन क्लासरूम, ज्वाइनिंग टूगेदर, लार्जेस्ट इन इंडिया, कीप फिट, इको फ्रेंडली हैबिट, एनिमेटेड डिज्नी मूवीज, प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स, डॉल्फिन शोज, फोक डांस ऑफ इंडिया, इंक्रीज हाइट, टूर ऑफ इंडिया, टिप्स फॉर हेल्दी टीथ, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, एनिमल ग्रुप्स, हेलो एंड थैंक यू अराउंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कीपिंग अवर अर्थ क्लीन एंड रेसेस। तो ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, आप ये बुक ले सकते हैं बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है ये और इजिली आपको मिल भी जा रही है ऑनलाइन। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक लें और बच्चों की प्रैक्टिस कराएं, इस पैंडमिक्स टाइम में बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखें। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।